आईएएस बने सचिन राहड़ के झुंझुनू आने पर स्वागत। स्वागत में माता पिता और परिवार जन जमकर डीजे पर थिरके। चौथे प्रयास में सचिन राहड़ ने प्राप्त की 291 रैंक। सचिन ने कहा, माता पिता की बदौलत कर पाया सपना पूरा। मेरी पढ़ाई पर खर्च लगाते थे तो लोग टोकते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा मेरी पढ़ाई को प्राथमिकता दी। तीसरे प्रयास में पास नहीं हुआ तो भी छोड़ दिया था सपना, लेकिन तब भी पिता बनकर आए मोटिवेटर। अब मिली सफलता। यूपीएससी के सिविल सर्विसेज के आए परिणाम में झुंझुनू के लादूसर गांव निवासी सचिन राहड़ ने सफलता प्राप्त की है। सचिन राहड़ को 291वीं रैंक मिली है। चौथे प्रयास में सफलता हासिल करने वाले सचिन राहड़ की सफलता की कहानी भी काफी प्रेरणा देने वाली है। सचिन राहड़ बताते हैं कि उनके पिता एक्सेन शुभकरण कट शुभकरण और माँ शिक्षिका सावित्री ने हमेशा हमारे तीनों बहन भाइयों की पढ़ाई को प्राथमिकता दी। वे जब हमारी पढ़ाई पर पैसा खर्च करते थे तो परिवार और जानकार लोग टोकते भी थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई के आगे कभी भी पैसों को महत्व नहीं दिया। यही कारण है कि आज वे अपना सपना पूरा कर पाए हैं। सचिन के भाई सुनील सिंह भी इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हैं और बहन मोनिका डॉक्टर है। उधर आईएएस बनने पर पहली बार झुंझुनू पहुंचने पर सचिन राहड़ का परिवार के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। न केवल सचिन का फूलमालाओं से लाद दिया, बल्कि परिवार के लोग जमकर डीजे पर थिरके और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और गुलाल लगाकर बधाई दी। इस मौके पर सचिन राहड़ ने बताया कि उनके असली मोटिवेटर उनके परिवार के सदस्य हैं, जिनमें मम्मी पापा भाई भाभी बहन हैं, जिन्होंने हमेशा उसे मोटिवेट किया। उन्होंने बताया कि तीसरे प्रयास में जब वे मेंस तक नहीं पहुंच पाए तो उन्होंने आगे तैयारी न करने का मन बना लिया था, लेकिन परिवार ने मोटिवेट किया और आज वे अपना सपना पूरा कर पाए। उन्होंने कहा कि दोस्त और टीचर्स भी मोटिवेटर के रूप में साथ दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवाओं को प्लान लेकर पढ़ना चाहिए। वे खुद तो प्लान लेकर नहीं पढ़े, लेकिन उन्हें लगता है कि बिना प्लान के पढ़ने से भविष्य असुरक्षित रहता है। साथ ही अब एग्जाम का नेचर बदल गया है, किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं ये कोई नहीं बोल सकता। जिस दिन परिणाम आया उस दिन वे खुद भी अपने दोस्तों के साथ मंदिर में बैठे थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो खुशी हुई। आपको बता दें कि सचिन राहड़ का 2014 में यानी 10 साल पहले एनडीए में भी चयन हो गया था, लेकिन उनका मन सिविल सर्विसेज में था इसलिए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। चूरू से एमए किया और अब 10 साल बाद अपने सपने को पूरा किया। इस खुशी के मौके पर शिक्षक श्याम सुंदर शर्मा और उनके परिवार के सदस्य भी सचिन राहड़ को बधाई देने के लिए पहुंचे। सचिन राहड़ के परिवार से झुंझुनू अकेडमी समूह के वरिष्ठ शिक्षक श्याम सुंदर शर्मा के पारिवारिक संबंध है। मेरी रैंक 291 आई है, 291, और ये मेरा चौथा प्रयास था। और मैं पिछले प्रयास के अंदर भी मेंस तक पहुंचा था पर इंटरव्यू नहीं दे पाया, और इस बार मैंने इंटरव्यू दिया। और पढ़ाई के मामले में मैंने कोचिंग ली थी ज्योग्राफी की, जो मेरा ऑप्शनल था। बाकी जीएस मैंने खुद ने पढ़ाई की थी मेरे किताबों से। बाकी परिवार का, माता पिता का सहयोग, मित्रों का सहयोग, ये सहयोग के कारण सब कुछ हो, और फिर सब ऊपर वाले की देन है और कुछ नहीं। जैसे मेरा तो मैसेज रहेगा कि जितनी हो सके उतनी पढ़ाई करनी चाहिए, बार बार रिविजन करना चाहिए, और बाकी आशीर्वाद ही है और ऊपर वाले भगवान की देन। माता पिता, जैसे लास्ट ईयर मैंने जब नहीं हुआ था मेरा, तो एक बार मैं सोच रहा था कि नहीं करूँगा, पर माता पिता ने काफ़ी सहयोग किया, उन्होंने काफ़ी मदद की। और अभी तक जैसे मैं, वैसे तो एज ए सन आई एम अ सन ऑफ एन एक्सीलेंट टीचर, बट आई बीन रेज्ड लाइक समबडी हु इज फ्रॉम ए बाबू सन। तो उस हिसाब से मेरे माता पिता ने हमेशा मेरी एजुकेशन को एकदम प्रायोरिटी रख के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी एक्सीलेंट ब्रेन के साथ मैं बोलूँगा। काफ़ी क्रिटिसिज्म किया था मम्मी पापा का जब वो मेरी पढ़ाई के लिए काफ़ी पैसे लगाते थे, बट आई थिंक टुडे इट हैज़ पेड ऑफ। सोचा, जैसे मेरे पिताजी ने बोला था मुझे कि परीक्षा है, वो फिर मेरे मित्रगण हैं, जैसे मेरी मित्र अर्चिता, उन्होंने काफ़ी मदद की, उन्होंने मुझे बताया कैसे चीज़ें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई के अंदर काफ़ी मदद की। फिर मेरे एक टीचर हैं सजल सर, जिन्होंने मेरे को मेंटरशिप दिया, उनकी काफ़ी मदद मिली, उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई। फिर मेरे भाई बहन, जो भाई मेरे साथ ही रहते थे सुनित, वो मेरे साथ रहते थे, मेरी बहन मोनिका, उनका काफ़ी सहयोग है, मेरी भाभी जी, उनका काफ़ी सहयोग है, तो इन सब लोगों का सहयोग है। अब जैसे कल मेरा रिजल्ट आया तो अभी काफ़ी इमोशनल है मेरे लिए अभी एट दिस मोमेंट, बट आई ऑल्सो फील दैट समबडी हु इज़ नॉट एबल टू मेक इट टू दिस एग्जाम इज़ ऑल्सो अ गुड पर्सन, क्योंकि अब जैसे एग्जाम का नेचर हो गया, इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट।
तो अब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किसका होगा किसका नहीं होगा। तो कल सुबह तक आप देखोगे तो मैं खुद ऐसे सोच रहा था कि मेरा होगा कि नहीं होगा, और मैं खुद पूरे टाइम मंदिर में ही बैठा था मेरे दोस्तों के साथ। तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो मैं तो ये बोलूँगा कि कोई निराश होने कोई मतलब ऐसा बात नहीं है। प्लस अब जैसे एग्जाम है उसके लिए मैंने तो प्लान भी नहीं लिया, लेकिन आपको मेरे हिसाब से प्लान भी लेके चलना चाहिए ताकि आप आगे निराशा हो तो ऐसा ना हो कि पूरा जीवन खत्म हो गया एक ही पेपर के प्रयास करते हैं। थैंक यू।